वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। सेनेट का इजलास 12:30 बजे, कौमी असम्बली इजलास दोपहर 3 बजे तलब। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 9 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। काबीना से मंजूरी के बाद आईनी तरमीम का मुसवदा दोनों ऐवानों में पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, पार्लियामानी कमेटी में कोई इख्तलाफी वोट नहीं आया, मिलजुल कर आईनी तरामीम करेंगे। बीएनपी मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल अचानक रात गए दुबई से इस्लामाबाद पहुंच गए। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा अडियाला जेल पहुंच गए। सेक्रेटरी इतलात पीटीआई शेख वकास अकरम का कहना है, अडियाला जेल हुकाम सलमान अकरम राजा को बानी पीटीआई से मिलने की इजाजत नहीं दे रहे। सिर्फ बैरिस्टर गौहर अली जफर और असद कैसर मुलाकात के लिए क्लियर हुए। बैरिस्टर गौहर ने फैसला किया है, जब तक तमाम नाम क्लियर नहीं हो जाते उस वक्त तक वो अडियाला जेल नहीं जाएंगे। वो जेल के बाहर खड़े हैं। साहबजादा हामिद रजा भी मौजूद हैं। आईनी तरमीम पर मौलाना के साथ मामला तकरीबन तय हैं। बैरिस्टर गौहर की फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा उम्मीद है आज बानी पीटीआई से मुलाकात होगी, उनके मशवरे के मुताबिक हम अपना ऐलान करेंगे। हुकूमत की तरफ से चौथा मुसवदा मिला, मीटिंग जारी थी कि मुसवदे की मंजूरी की खबर आ गई। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान के घर बैरिस्टर गौहर और दीगर पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर को बानी पीटीआई से मुलाकात की यकीन दहानी कराई। और लाहौर हाईकोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले का निशान अलॉट ना करने के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने तहरीरी हुक्म जारी किया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हतमी फैसला करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने केस मुलतवी करने की इस्तदा की। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल आइंदा समात पर तहरीरी बयान जमा कराएं। इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक 30 अप्रैल के नोटिस पर हतमी फैसला ना करे। अदालत ने केस की मजीद समात 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी।